तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। जी जी, जमशेदपुर से खबर आ रही है, चंद्रगुप्त सिंह आसू पार्टी के जो नेता है वो कुछ कह रहे हैं पंडालों को लेकर, क्या कह रहे हैं? जी जी, देखिए आपको बता दें, जमशेदपुर का सिद्धगोवा दुर्गा पूजा मैदान में पूजा होता आ रहा है कई सालों से, इस साल की पूजा का आयोजन किया गया है। वही चंद्रगुप्त सिंह ने मीडिया को जानकारी दी, आज हम लोग पूजा पंडाल जो बना है उसका ओपनिंग किया है। आपको बता दें, कोरोना काल चल रहा है, अभी भी सरकार की गाइडलाइन को हम लोग मान रहे हैं, सरकार की गाइडलाइन को मानते हुए हर चीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और इस बार हम लोग बताया जा रहा है भोग का वितरण भी पंडालों से नहीं किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लोगों को लगाने बोल रहे हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है आपको, जो भी लोग आ रहे हैं लोगों को हम लोग बता रहे हैं, समझा भी रहे, भीड़ भाड़ ज्यादा न लगा, दूरी बना करके पूजा पाठ करे और मास्क लगाए, ये सारी चीज की जानकारी आसू नेता चंद्रगुप्त सिंह ने कहा है, जो कि पूजा समिति के संरक्षक भी है। जी जी, जमशेदपुर में पंडाल जो है, पंडाल बड़े बड़े पंडाल बनाया करते थे कुछ साल पहले, बड़े बड़े पंडाल बने थे, लेकिन अभी बिल्कुल छोटे छोटे पंडाल बन रहे हैं। जी जी, इसके बारे में कुछ कहा उन्होंने? जी जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जैसे उन्होंने कहा है, कोरोना काल अभी भी चल रहा है, सरकार का गाइडलाइन जो है सरकार के गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है, उसी के हिसाब से पंडाल छोटा छोटा बनाया गया है सब पूरे पूरे जमशेदपुर में, और हम लोग भी उसी तरीके का पूजा कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मास्क सरकार की गाइडलाइन सभी को मानकर हम लोग ये पूजा अर्चना इस साल कर रहे हैं। जी जी धन्यवाद जी, खबर के लिए बने रहे जमशेदपुर से, सोना न्यूज के लिए। आज पूजा का अष्टमी का दिन है, दशहरा पर्व, इस अवसर पर हम तमाम भारतवासियों, झारखंड वासियों, विशेषकर लोह नगरी जमशेदपुर वासियों को मैं शुभकामना देता हूँ। माँ दुर्गा से यही आग्रह करता हूँ कि हे माँ, जो कोरोना ऐसी बीमारी है उस बीमारी को बिल्कुल समाप्त कर दें, उस बीमारी के नाम पर सरकार और पुलिस प्रशासन जो है जनताओं को, माताओं बहनों को, छात्र छात्राओं पर अत्याचार हो रहे हैं, एक दूसरी की हेलमेट चेकिंग, ये पुलिस के कमाई का धंधा, सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। जो बच्चे घर से पढ़ने जाते हैं रोक लिया जाता है, हजार तीन तीन हजार पाँच पाँच हजार उसे जबरदस्ती उसे वसूला जाता है, ये झारखंड राज्य में अत्याचार की सीमा बढ़ी हुई है। इतना अत्याचार अन्याय, अंग्रेज जो था जिस समय भारत गुलाम था, वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उस समय इतना अत्याचार जनताओं को, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों को नहीं होता था जो अभी हो रहा है। जी हाँ, लेडीज मेंस और किड्स वेयर का एक्सक्लूसिव शोरूम जयशील गारमेंट्स, लेडीज मेंस एंड किड्स वेयर, हमसे सस्ता कोई नहीं, बैग 50% डिस्काउंट पर, साथ ही साथ यहाँ मिलेंगे आपको एक से बढ़कर एक डिजाइनों में स्लीप वेल मैट्रेस 10% के डिस्काउंट के साथ, कुछ नियम एवं शर्तों के साथ, साथ ही साथ पिल्लो, कुशन, बेड शीट, कम्बल, चादर की भरपूर रेंज मिलेगी आपको हमारे जयशील गारमेंट्स में। पता याद रखेंगे, फर्स्ट फ्लोर जयशील कॉम्प्लेक्स, न्यू बुंडू रोड, ओवर ब्रिज के सामने।